हेलो माय डियर वंस आज मैं बात करने वाली हूँ आपके बारे में और आपके बारे में क्या बात करने वाली हूँ आपकी खुशियों के बारे में बात करने वाली हूँ क्योंकि आप मुझे मुस्कुराते हुए खुशी से झूमते हुए ज़िंदगी जीते हुए बहुत अच्छे लगते हैं आप बहुत अच्छे हैं अपना ख्याल भी रखते हैं अपना बेस्ट भी दे रहे हैं पर कभी कभी आप एक गलती कर देते हैं और वो गलती जानते हैं क्या होती है वो गलती ये होती है कि आप ये भूल जाते हैं कि आप जैसा सोचेंगे वैसा महसूस करते हैं क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारे अंदर उसी तरीके की भावनाएं हम महसूस करने लग जाते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि आपको सोचना भी सोच कर ही है और जब आप ये भूल जाते हैं तो आप सिचुएशंस का या लोगों के बिहेवियर का नेगेटिव मीनिंग निकालना शुरू कर देते हैं और आपसे जब ये गलती हो जाती है तो आप बुरे एहसासों के जाल में फंस जाते हैं और फिर इतने प्यारे होते हुए भी इतने अच्छे होते हुए भी मुस्कुराना डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में एक फ्लो के साथ आगे बढ़ना डिज़र्व करते हो अटक से जाते हो तो आज आपसे जो अनजाने में गलती हो जाती है वही सुधारने आई हूँ सो मेरे प्यारो मेरे दुलारों समझो इस बात को जब भी कोई भी चीज आपके सामने घटित हो रही हो चाहे आप उसमें इन्वॉल्व हो या फिर आप उसे एक ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो हमेशा उस परिस्थिति का सही मायना दो कई बार परिस्थिति सही नहीं होगी कई बार लोग भी गलत होंगे पर यह मैटर नहीं करता कि वो सिचुएशन टफ है या उस सिचुएशन में कुछ गलत आप विटनेस कर रहे हैं या किसी पर्सन ने गलत किया मैटर क्या करता है कि आप उसे क्या मीनिंग देते हैं क्योंकि अगर आप एक मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी एक गलत से गलत आदमी को भी सही मीनिंग देना शुरू कर देते हैं तो आप इमीडिएट इफेक्ट से उस घटना का प्रभाव अपने ऊपर से हटा लेते हैं उस व्यक्ति का प्रभाव अपने ऊपर से हटा लेते हैं वो चीज़ ना आपको हर्ट करती ना ही किसी और तरीके से आप पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपके अंदर के जो एहसास है जिसमें आप उथल पुथल महसूस करते हैं वो उथल पुथल भी नहीं होती है सब बिल्कुल सामान्य रूप से एकदम नॉर्मल एकदम शांत रहता है ज़रा उदाहरण से समझते हैं आपको पता चला कि किसी व्यक्ति ने आपके मुंह पर बड़ी अच्छी अच्छी बात करी आपको बड़े बड़े कमिटमेंट किए कि वो आपके लिए ये कर देगा वो कर देगा और आपको ये बता रहा है कि आपसे ज़्यादा तो कोई खास ही नहीं है अब आपको ये एहसास हो रहा है कि जो वो कहता है वो करता नहीं है या आपको कहीं और से भी भनक लग रही है कि वो इंसान जैसा आपको दिखा रहा है वैसा है नहीं अब आप ये कहेंगे कि वो इंसान गलत है मेरे को उसने चीट किया मुझे धोखा दे रहा है शर्म नहीं आई उसे कितना घटिया इंसान है ये मीनिंग निकालेंगे आप तो इससे क्या होगा क्या उसका घटियापन चला जाएगा क्या उसकी चीटिंग ख़त्म हो जाएगी नहीं आपके अंदर के भाव बिगड़ जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे आप दुख के सागर में डूबने लगेंगे लेकिन वहीं पर अगर आप इस बात को ऐसी मीनिंग देंगे कि अच्छा ये इंसान का स्वभाव है कि जो ये कहता है उससे अलग ये करता है और बहुत अच्छा हुआ कि मुझे ये पता चल गया कि इस इंसान का स्वभाव ऐसा है जो ये कहेगा ये इससे विपरीत सोचेगा इससे विपरीत कुछ करता है सो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे पता चल गया सो अब मैं अपने आप को इस लायक बना सकती हूँ कि मैं अपनी मदद खुद करूँ अपना ख्याल खुद रखूँ और इस इंसान से उम्मीद करने के बजाय इसकी बातों को जस्ट ऐसे ही आनंद की तरह लूँ और इग्नोर कर दूँ अब आपने अगर सपोज़ ये मीनिंग निकाला तो इससे क्या आपके अंदर उथल पुथल हो रही है या केवल समझदारी बढ़ रही है शांति सहजता हो रही है कि हाँ जब भी वो ऐसे गप्पे मारेगा आपके लिए तो आपको क्या है जस्ट नॉर्मल ऐसी आएगी आपको गुस्सा नहीं आएगा आपको शिकायतें नहीं होंगी क्योंकि आपको ये समझ आ गया आ जाएगा कि आपके सोचने से कोई बदलेगा नहीं वो बदलेगा तब जब वो सोचेगा जब उसको रियलाइज होगा तो आप सोच सोच के क्यों अपना खून में उबाला दे रहे हैं क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति या किसी भी व्यक्ति के लिए जो भी कुछ हुआ है या होने की संभावना है उसके लिए हमेशा एक पॉजिटिव मीनिंग निकालना है दूसरा समझो एक ऐसा हुआ कि आप सड़क पर जा रहे थे आपकी गलती नहीं थी किसी दूसरे की गलती की वजह से आपका कुछ नुकसान हो गया आप गिर गए चोट लग गई अब उस परिस्थिति में एक तो यह हाय हाय मचा दे हाय अंधे हैं देख कर नहीं चलते हैं मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ मैंने तो कुछ ऐसा गलत भी नहीं किया कौन से कर्मों की सजा मिल रही है कुछ भी ऐसे बोले दूसरे के लिए गाली निकालें या कर्मों को दोष दें परिस्थिति को दोष दें कानून को दोष दें ये व्यवस्था ठीक नहीं थी वो नहीं थी इससे क्या होगा कुछ भी नहीं होगा आपकी तकलीफ बढ़ेगी लेकिन अगर आप उसी परिस्थिति में शुक्राना करना शुरू कर दें कि भगवान लाख लाख शुक्र है पता नहीं इससे बुरा क्या हो सकता था लेकिन आपकी कृपा से मैं बच गया मेरी जान सही सलामत है और इसका क्या है ये तो जरा सी मामूली सी चोट है आपके आशीर्वाद से जल्दी ही ठीक हो जाएगी अगर आपने ये मतलब निकाला तो वो परिस्थिति सामान्य हो जाएगी उसके अंदर जो तमाम नेगेटिविटी थी जो तमाम ऐसा पेन भरा पड़ा था वो सब उसी मोमेंट में ख़त्म हो जाएगा रिलीज हो जाएगा फ्री हो जाएंगे कुछ भी नहीं बिगड़ेगा आपका तो परिस्थिति बस परिस्थिति होती है व्यक्ति बस व्यक्ति ही होते हैं हमारा जो मीनिंग है उन्हें अच्छा या बुरा क्लासीफाई करता है सो मेरे प्यारो मेरे दुलारो आप मीनिंग सही देना सीख लो तो जो भावनाओं की उथल पुथल होती रहती है ना उससे बच जाओगे शांति रहेगी सुकून में मजे में रहोगे और लोग देख के बोलेंगे यार किस मिट्टी की इंसान है ये कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हमेशा मस्त रहती है क्या सारा आशीर्वाद भगवान ने इसी दे रखा है क्या खुश रहने का इस तो फर्क ही नहीं पड़ता और आप बहुत ही खुशहाली से अपनी ज़िंदगी जियोगे लोग आपसे इंस्पायर होंगे वो अपने आप ही आपको परेशान करने के प्रयास छोड़ देंगे और परिस्थिति भी झक मार कर लौट कर चली जाएगी क्योंकि आपका कुछ बाल पाका नहीं कर पाएगी सिर्फ़ एक अच्छी आदत सही मीनिंग देने की क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसे ही भावनाओं के उथल पुथल में आप घिर जाओगे और फिर जैसा सोच रहे होते हो जैसा महसूस कर रहे होते हो अपने आप ही व्यवहार वैसा होता चला जाता है तो ना तो व्यवहार के पीछे पड़ो ना भावनाओं के पीछे पड़ो सही अर्थ देने सीख लो बस इस चीज़ को सुधार लो खुशहाल ही खुशहाल रहोगे हंसते मुस्कुराते और मेरे प्यारों मेरे दुलारो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते मुझे नेक्स्ट वीडियो में मिलना तब तक सबको सुधारने की जिम्मेदारी ले लो शेयर कर दो तो ये वीडियो ताकि सब बस एक ये चीज़ अपने अंदर सुधार लें और खुशहाली से मुस्कुराते हुए अपना जीवन जिए जी अपना ख़ास ख्याल रखना मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में